तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। निशाज वंडरवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वैसे तो मेरी मॉर्निंग आज की अच्छी नहीं रही। हाँ, देख सकते हो क्या हो गया है आज मेरे फेस पे। खिड़की गिर गई, खिड़की का जो पल्ला होता है ना, वो गिर गया मेरे ऊपर, तो ये कोने से लग गया है, तो काफ़ी चोट लगी मुझे और थोड़ा सा के लिए मेरा आँख बच गया, शुक्र है भगवान का। तो इसलिए मॉर्निंग मेरी आज थोड़ी सी दर्द भरा रहा। और दूसरी बात कि जाना था मुझे ससुराल, और मुझे जाना था घूमने वैष्णो माता के दर्शन के लिए, और ये हो गया फेस पे, तो समझ सकते हो हमको क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा लुक अच्छा चाहिए होता है, तो खराब हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे और ज़्यादा दुख लग रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, इतना तो होते रहता है लाइफ में, छोटा मोटा सा चोट लगते ही रहता है। और दिखाती हूँ पैकिंग, तो यहाँ पे मैंने खोल रखा है ठंडी के कपड़े वाला बॉक्स, और यहाँ पे कपड़े ठंडी के ऐसे होते हैं ना, खरीदो तो महंगे मिलते हैं, और उसको पहनना सिर्फ 2 या 3 महीना पड़ता है, और रख दीजिए फिर दो तीन ठंडी बीतते बीतते ही छोटे हो जाते हैं। तो वही हाल मेरा भी है कुछ इस तरह का। यहाँ पर आशि और वशु के जो कपड़े हैं ना, सब नए ही कपड़े हैं और छोटे हो चुके हैं। ये देखिए, ये रेड टॉप है, बहुत ही खूबसूरत लगता है जीन्स पर जब आशी पहनती है, लेकिन अब ये छोटा हो चुका है, नेक्स्ट ईयर ये नहीं चलेगा। तो मैं ये सोच के ले जा रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, इसको पहनेगी जब तक पहनेगी, और फिर वहाँ पे छोड़ के आ जाएंगे। और ये देखिए, मैंने अपने हाथों से ये स्वेटर बनाया था, बड़ा खूबसूरत सा स्वेटर है। एक्चुअली मैंने इसको अपने भतीजे के लिए बनाया था, पर उसको पसंद नहीं आया, बोलता है बुआ गले में खुजली होती है पहनने के बाद। तो फिर ये मैंने आशी को दे दिया, आशी बहुत पसंद से पहनती है और अच्छा भी लगता है पहनती है। तो इस तरह से ये मैंने बना रखा है, 3-4 साल हो गए, 1-2 साल और पहनेगी, फिर उसके बाद ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा उसमें। तो फ्रेंड्स, बहुत बच्चों के कपड़े वेस्ट होते हैं, बच्चों की हाइट जल्दी बढ़ती है और अच्छे अच्छे कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो ये चीज़ बड़ा बुरा लगता है, किसी को भी बुरा लगता होगा, क्योंकि इतना कॉस्टली मिलता है बच्चों का कपड़ा, और पहन भी नहीं पाते हैं, पूरे पैसे वसूल भी नहीं हो पाते हैं, और कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो बुरा तो किसी को भी लगता है। और यहाँ पे मैं चुन चुन करके सब एक एक करके निकाल रही हूँ, कैप हो गया, ग्लव्स हो गया, और शॉल हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे बेटी मेरी चाय बना के लेके आई, तो ये लीजिए, दिखा रही हूँ कि आप लोग भी पी लीजिए चाय। और यहाँ पे मेरी पैकिंग धीरे धीरे हो रही है चाय के साथ, काफ़ी रात हो चुका था फ्रेंड्स, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, और मैंने अभी तक खाना भी नहीं बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, काम तो हो चुका है और अब मैं खाना बना रही हूँ, खाना बना के अब जाऊँगी नहाने के लिए। तो खाना में मैं आज क्या बना रही हूँ देखिए, ये कल ना मेरी बेटी इसको भूजी थी, हालांकि उसको आता नहीं है, लेकिन उसने कोशिश किया था, चना ड्राई चना भूजते हैं ना चाट जैसा, तो वैसा उसने भूजा था, पर ये पका नहीं था, स्वाद तो अच्छा था लेकिन अच्छे से पका नहीं था, तो कोई खाया नहीं, बच्चा का बच्चा रह गया। तो मैं बस उसी को आलू के साथ डाल के और इसकी सब्जी बना रही हूँ, चना आलू की। और यहाँ पे मैंने सुबह में भुजिया बनाया हुआ था, ये आलू की भुजिया है। यहाँ मैंने दाल बनाया है, अभी तड़का नहीं लगाया है, चावल बनाना है, चावल बना करके और अब मैं नहाने जाऊंगी। तो लगभग मेरा काम हो चुका है सारा, मैंने तैयारी भी कर दिया है, पैकिंग भी हो गई है मेरी। दिखाती हूँ मैं आपको लगेज, कितना लगेज बना है मेरा। तो ये वाली एक सूटकेस मैंने तैयार किया है, और अभी एक खाने का लगेज है, एक जूता चप्पल का लगेज है, मतलब लगभग लगभग 4 या 5 लगेज हमारा बन रहा है, तो बड़ी मुश्किल होती है। और उसमें भी क्या है, लंबा टूर है, 2 जगह जाके होना है, जाना है, तो इसलिए उस हिसाब से सामान हमने पैक किया है। और उसमें भी ठंडी का मौसम है तो एक्स्ट्रा चीज़ हो जाता है, और दूसरी बात कि घर में शादी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चीज़ हो जाता है, तो मतलब इस तरह से ना काफ़ी लगेज हो गया है इस बार हमारे पास। तो ये अगर यहाँ से डायरेक्ट जाना होता, तो क्योंकि हमारी बाड़मेर से गया डायरेक्ट ट्रेन है, तो उतना
प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है, लेकिन इस पर हमें कहीं, आपको पता है, यहाँ से जम्मू जाएंगे, जम्मू से फिर अपने घर जाएंगे, तो थोड़ा सा लगेज ज़्यादा हो गया है इस कारण, और बर्डन लग रहा है क्योंकि दो बार आना जाना है इसलिए। नहीं तो अगर यहाँ से बारमेर से सीधे घर जाना होता है तो उतना बर्डन नहीं लगता है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन है, यहाँ से जाके बैठ जाओ और सीधे घर जाके उतरो, तो उतना बर्डन नहीं लगता है। और फ्रेंड्स, रास्ते के लिए ना, अगर लंबा रास्ता हो तो आप कितना खाना खरीद के खाइएगा, पैसे से पैसे खर्च हो जाते हैं लेकिन पेट नहीं भरता है। तो बस वही हाल है, मैं कहीं भी बाहर निकलती हूँ तो खाने पीने का प्रॉपर इंतज़ाम करके निकलती हूँ। तो यहाँ पर मैं रास्ते के लिए कुछ कुछ चीज़ें बना के रखूँगी, तो यहाँ पर मैंने गुड़ का ठेकुआ बनाया है और उसके साथ और भी सारी चीज़ें बनाऊँगी, लेकिन पहले क्योंकि ये ख़राब नहीं होता इसलिए मैंने इसको पहले बना लिया है, तो ठेकुआ बनाया है। और उसके साथ हम बिहारियों का ना ये फेवरेट होता है, कहीं भी बाहर जाइए तो आपको पक्का ही ठेकुआ और लिट्टी मिलेगा देखने के लिए, किसी भी बिहारी को देखिएगा खाते हुए तो ठेकुआ और लिट्टी तो आपको पक्का ही मिलेगा। तो बस वही है, बिहारीपन दिखाया मैंने यहाँ पर, ठेकुआ मैं बना रही हूँ, और मैंने सोचा कि चलो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि ये प्रॉपर बिहारी रेसिपी है, तो बस वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स, ये जो है ना, मेरा गुड़ थोड़ा सा ख़राब होने लगा था, मतलब थोड़ा थोड़ा सा उसमें ना सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी जैसी लगने लगी थी रखे रखे, तो इसको मैंने गर्म करके और ये पिघला लिया है। तो गर्म करने से क्या हुआ कि उस पर जो लगा हुआ था थोड़ा बहुत वो बाहर ऊपर आ गया और मैंने उसको छान के फेंक दिया, और अब ये बिल्कुल प्योर है, तो ये काम में हम ला सकते हैं, नहीं तो क्या होता है कि हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और ये देखिए, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी गाढ़ी है, मतलब इतना आपको गाढ़ा उबाल करके, ये उबाल करके नहीं, मतलब उसको क्या कहेंगे, पिघला करके इतना गाढ़ा रखना है तभी ये मीठापन आएगा, अदरवाइज़ क्या होगा ना कि मीठा नहीं लगेगा ठेकुआ में डालने के बाद। तो आप देख सकते हैं ये कैसा है, इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा गिर रहा है, ये देखिए हल्का चिपचिपा सा है, और गाढ़ा हो तो अच्छा है, ज़्यादा मीठा अगर चाहते हैं तो और थोड़ा और गाढ़ा कर लीजिएगा, और नहीं तो इस टेक्सचर में ये ठीक रहता है। तो ये देखिए, ये मैंने लगभग आधा किलो मेरा गुड़ था और मैंने इसको दो गिलास पानी में डाला था उबाल उबाल करके, मैंने इतना मतलब डेढ़ गिलास पानी के लगभग में ये बच गया है। अब इसके लिए हम आटा ले लेते हैं, तो ये मैं एक कप, ये दो कप, तीन कप और ये चार कप, तो ये मतलब एक कप के बराबर है, ये 250 ग्राम इसमें आटा आता है। और इसको मैंने छाना नहीं, क्योंकि मुझे जो ठेकुआ होता है ना, हम लोग मोटे आटे में ही बनाते हैं, तो अगर छान देंगे तो जिसका चोकर है वो बाहर आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको छान के नहीं लिया है, साफ़ आटा है इसलिए मैंने इसको बिना छाने लिया है। एक कप मैंने इसमें सूजी मिलाया है, देखिए। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये ना लगभग आधा ग्लास है, ये इस गिलास से दिखाओ ऐसे करके, ये देखिए छोटा वाला चाय वाला जो ग्लास होता है ना, उससे आधा ग्लास है। और कहने का मतलब, मैं तो कितना भी मोम डालूं, मोम इसके अंदर आटा के अंदर डालने के बाद ही पता चलता है कि हाँ आपका मोम सही पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो अभी तो मैं इतना इसमें घी डाल रही हूँ, और अगर मुझे कम लगेगा तो मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूँगी, क्योंकि मेरे पास घी अभी फ़िलहाल में इतना ही है। और ये डेसिकेटेड नारियल है, मतलब नारियल का बुरादा, आप किसी भी ठेकुआ में बनाइए, या चीनी वाला या गुड़ वाला, अगर आप ये नारियल का बुरादा मिक्स करते हैं उसके साथ, तो ठेकुआ का जो टेस्ट है ना वो कई गुना बढ़ जाता है, और खासता ठेकुआ बनता है, मतलब एकदम से जो गीला जैसा होगा ना वो नहीं, एकदम बहुत अच्छा क्रिस्पी बनेगा और बहुत स्वाद आएगा। तो ये मैं देखिए लगभग एक कटोरी है, पूरा एक कटोरी नहीं है, तो ये मैं इसमें मिला देती हूँ और सारे को मैं फिर इसको मोइन करूँगी। तो इसको मोइन मतलब पूरा मिलाएंगे इस तरह से, और इलायची पाउडर डालेंगे, सौंफ डालेंगे, तो सौंफ भी इसमें मिला देती हूँ। तो आप सौंफ इस तरह से क्रश करके डालेंगे ना, तो इसकी खुशबू इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी, बहुत अच्छा स्वाद आता है सौंफ का। अगर गुड़ वाला ठेकुआ बना रहे हैं तो बिना सौंफ का तो बनाइए ही मत, बहुत अच्छा स्वाद आता है और खुशबू आती है। और ये तीन चार इलायची है जिसको कूट के मैं डालूंगी, गुस्से में डालूंगी।
तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं गुस्से में डालोगी, तो मैंने बोला कि हाँ मैं गुस्से में डालूंगी। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं गुस्से में ही बना रही हूँ। तो ये इलायची है, इसको मैं कूट देती हूँ। हाँ, अब दूसरी तरफ मैंने ड्राई फ्रूट्स दे रखा है काटने के लिए। और ये इलायची है, इसमें मिला देंगे और अच्छे से अब इन सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैं इसमें दोनों हाथ मिलाने जा रही हूँ क्योंकि एक हाथ से अच्छे से नहीं हो पाता। ये देखिए इस तरह से। और मेरे पास जो ये गमला है ना, वो थोड़ा छोटा भी पड़ रहा है, तो इस तरह से आप मिलाइए इसको। हाँ डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी सबसे बड़ा गमला यही है तो मुझे इसी में मिलाना है ना। ऐसे करने से क्या होता है ना कि हर एक आटा के दाने में ना तेल अच्छे से ऑब्जर्व होता है आटा में और बहुत ही खास्ता बनता है। तो इस तरह से तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मोयन हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। और देखिए तो इसमें क्या है कि अगर हम ज़्यादा डालेंगे ना तो ये जाके तेल में फट जाएगा, और इसके साथ क्योंकि नारियल भी है तो ये ऑटोमेटिक खास्ता ही बनेगा। तो ये देखिए इस तरह से मोयन बहुत अच्छा पड़ा है। अब इसको हम गूंध लेंगे गुड़ वाले पानी से। और ये फ्रेंड्स कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे ठेकुआ में अच्छा लगता है। मैंने बादाम और नारियल, ये पीस वाले जो दांत के नीचे आता है ना, खाइए तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में ठेकुआ में। तो मैं बस यही डालती हूँ और किशमिश वगैरह नहीं डालती हूँ क्योंकि वो जल जाता है तलने में, तो उसका टेस्ट कड़वा कड़वा आने लगता है। तो इसलिए ठेकुआ में मैं ज़्यादातर नारियल और बादाम ही डालती हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये ऐसा भुरभुरा सा इसको बनाना है, बहुत गीला नहीं, आटे की तरह नहीं गूंदना है और बहुत भुरभुरा नहीं, मतलब इतना, ये देख लीजिए ऐसा लसलसा सा चिपचिपा सा होना चाहिए। और जब हम इसका लड्डू बनाएं इस तरह से, ये लड्डू बनाएं देखिए ऐसे बंध जा रहा है, ये बहुत अच्छा सा गोला बन जाएगा इस तरह का। तो आपको ऐसा ही गूंदना है। ये मैंने यहाँ पर इतना बना रखा है ये, और ये बना के हम रख लेते हैं। और ये ऐसा हमारे पास साँचा होता है ठेकुआ बनाने वाला लकड़ी का, इसमें कई तरह की डिज़ाइन होती है, लंबे वाली, गोल वाली, और दूसरे साइड में भी डिज़ाइन है, तो हम लोग इस पे ही बनाते हैं। तो ये मैंने ये गोल बना करके और इसके ऊपर रख के और इस तरह से हाथों से दबा दीजिए या किसी चीज़ से दबा दीजिए, तो ये इस तरह का डिज़ाइन बनता है। और मैंने ये बना बना के रखा है, तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं इसको डालूंगी। यहाँ पे हम घी लगा लेते हैं ताकि आसानी से ठेकुआ हमारा चिपके ना, निकल जाए, आसानी से निकल जाए। तो मैंने यहाँ पहले भी घी लगा रखा था, और जब दोबारा चिपकने लगे तो आपको दोबारा से इसमें घी लगाना है। तो अभी तो मेरा निकल जा रहा है तो मैं नहीं लगाऊंगी। और इस तरह से हाथों से दबा दबा के, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, देखिए मोटा नहीं होना चाहिए ज़्यादा, नहीं तो ये पकता नहीं है, फिर अंदर से कच्चा रह जाता है। और इस तरह से आपको बनाना है इस तरह से। कितना सुंदर बना है ना, बहुत सुंदर बना है। पलटेंगे जब तक ये पूरा अच्छे से ब्राउन दिखने न लगे एक साइड में। तो ये देखिए अगर हम पहले पलट देंगे तो ये टूट जाएगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है तो ये टूट जाएगा। तो ये देखिए मेरा नीचे से अच्छे से ब्राउन हो गया है और अब हम इसको पलट सकते हैं। सावधानी से, क्योंकि तेल बहुत गर्म होता है, तो पलटते समय कभी कभी ऐसा होता है कि ये उड़ जाता है, तो आप सावधान रहें, बी केयरफुल। और ये देखिए कम आंच पे ही पकाना चाहिए,
ऊपर से क्या होगा, तेज आंच रहेगी तो ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर कच्चा रहेगा। तो जब ये इस तरह का हो जाए तो हमें आंच को कम कर देना है और धीरे धीरे फिर इसको पकाना है ताकि अंदर से अच्छे से सिक जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतना मैंने आटा ये बना रखा है, तो इतना बनाते बनाते वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने बता दिया ये कैसे बनाना है। अब पूरा बनाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी हम और हमारे बच्चे मिल करके हम इसको बनाएंगे, वो लोग ऐसे गोला बनाएंगे और मैं इसमें सेकाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, ठेकुआ तो बन गया और वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया है, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।